Hello everyone and welcome to our new video. In this video we are going to discuss another problem from LeetCode, and the problem is find the highest altitude. Let's get to the problem statement. There is a biker going on a road trip. The road trip consists of n plus 1 points at different altitudes. The biker starts his trip on point 0 with altitude equal to 0. You are given an integer array gain of length n, where gain at I is the net gain in altitude between the points I and I plus 1. For all I greater which should be greater than equal to 0 and less than n, return the highest altitude of point. ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि हमें एक हमारे पास बाइकर है. ठीक है, ये है बाइकर. अब जो रोड है वो हमारी फ्लैट ना होके उसमें कुछ एलिवेशंस टाइप के होंगे. ठीक है, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा 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 कुछ भी हो सकता है. उसके एलिवेशंस हमें बताना है कि ये जो बाइकर है हाईएस्ट पॉइंट पे जब रहेगा तो उसकी हाइट कितनी रहेगी. ठीक है, तो अगर हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझे, एग्जांपल इनिशियली वो जीरो पे रहेगा. ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनिशियली जो है उसकी मैक्स कितनी होगी, मैक्स मिनिमम तो जीरो होगी. क्यों? क्योंकि वो जीरो से अगर नीचे जाता भी जाएगा तो जीरो तो उसकी मैक्स रहेगी. उसके बाद हम देखेंगे करेंट. ठीक है, करेंट भी हमारा इनिशियली कितना है, जीरो. अब अगर हम अपने एरे को देखें, गेन एरे को, तो ये हमारा किस टाइप से है, -5, -5, -5, -0, -7. ये हमारा क्या हो जाएगा, गेन एरे. अब इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या कि ये पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर वन है, कहाँ पे, जीरो. अब बाइकर हमारा यहाँ से कहाँ जा सकता है, यहाँ से हमारा बाइकर या तो नीचे जा सकता है, या तो ऊपर जा सकता है, या तो फ्लैट भी जा सकता है. ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे वो जीरो पे है, नेक्स्ट पॉइंट पे कहाँ रहेगा, -5 पे, मतलब वो नीचे चला जाएगा -5. तो उसकी अभी करंट कितनी हो जाएगी, करंट हो जाएगी 0 -5, दैट इज -5. और मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम अभी भी जीरो रहेगी. नेक्स्ट उसने क्या किया, -5 नीचे जाने के बाद एक वहां से ऊपर गया, तो एक हल्का सा ऊपर जाएगा, तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, -4 पे. तो करंट कितना हो गया, -5 + 1, दैट इज -4. फिर क्या हुआ, फिर 5 ऊपर गया, तो ऐसे ये 5 ऊपर गया. 5 ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, इसकी हाइट कितनी हो गई, -4 + 5, दैट इज 1. तो अभी ये 1 पे है. मैक्सिमम कितना था, 0 था, बट अभी मैक्सिमम हमको नया मिल गया, 1 मिल गया है, तो हम इसे अपडेट कर देंगे 1 से. 1 के बाद उसने क्या किया, 0 हाइट ऊपर गया नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट पूरा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे भी हाइट 1 रहेगी, मतलब 1 + 0, दैट इज 1. फिर क्या हुआ, -7, 7 नीचे चला गया, तो -7 दैट इज कहाँ पहुँच जाएगा, -6 पे. तो ये नीचे चला गया, कहाँ पे पहुँच जाएगा, -6 पे. तो अगर हम देखें हमारा जो बाइकर था उसकी सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ पर थी, उसकी सबसे ज़्यादा हाइट यहाँ पर थी, और वो कितनी थी, वो थी हमारी 1. तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 1. तो हम आउटपुट क्या कर देंगे, 1 हमारा हम रिटर्न कर देंगे. तो हम इस क्वेश्चन के लिए कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनिशियली हम दो वेरिएबल बनाएंगे. एक वेरिएबल बना लेंगे हमारा मैक्स, जिसको हम रख लेंगे 0, क्योंकि हमारी मैक्सिमम हाइट कुछ भी हो बट 0 तो 0 से कम तो नहीं होगी, सिंपल सी बात है. क्यों? क्योंकि वो 0 से स्टार्ट ही कर रहा है. नेक्स्ट हम एक वेरिएबल बना लेंगे करंट, और करंट को भी हम 0 रख लेंगे. क्यों? क्योंकि अभी कहाँ पर है, वो 0 पे. और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपने फॉर लूप को चलाएंगे i = 0 से i < जो भी हमारी इसकी लेंथ होगी, तो गेन डॉट लेंथ, और उसके बाद इसको हम 1 से बढ़ा देंगे, तो i++. इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जो भी हमारा करेंट है, करेंट उसमें हम ऐड कर देंगे गेन एट आई. ठीक है, गेन एट आई ऐड कर देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मैक्सिमम है उसको हम अपडेट कर देंगे. मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैट डॉट मैक्स गेन, ये जो हमारा करंट है और मैक्स है, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो हमारा हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा. और जैसे ही हमारा फॉर लूप ख़त्म होगा हमें हमारा मैक्सिमम मिल जाएगा, और हमें इसे रिटर्न कर देंगे मैक्स. अगर इसे एक और एग्जांपल के थ्रू अपन समझे, अगर हम एग्जांपल खुद से क्रिएट करते हैं एक एग्जांपल, अगर हमारा एक एग्जांपल है 3, 2,
5 माइनस 8 1 माइनस 4। अब हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ज़ीरो पे रहेगा तो मैक्सिमम कितनी होगी, ज़ीरो होगी। और करंट कितनी है, करंट हमारी इनिशियली ज़ीरो होगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो करंट इज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, मैक्स और करंट में से कौन सा ज़्यादा बड़ा है। क्लियरली 3 ज़्यादा बड़ा है मैक्स से, तो जो हमारा मैक्स है उसमें भी हम 3 डाल देंगे। तो अभी हमारा जो बाइकर है वो 3 पे है, ये क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट हमने क्या बोला, 2 और ऊपर जा रहा है तो 2 और ऊपर जाएगा, तो नेक्स्ट कहाँ पहुँच जाएगा, 5 में। तो करंट हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 2 दैट इज़ 5, करंट हमारा 5 हो जाएगा। अब 5 और 3 को कंपेयर करें, कौन सा ज़्यादा बड़ा है, 5, तो हमारा जो मैक्स है वो भी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, 5 और ऊपर गया तो 5 और ऊपर जाएगा, तो अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, 10 पे। तो ये जो हमारा करंट है ये कितना हो जाएगा, 5 + 5, क्योंकि लास्ट टाइम 5 था, इस बार फिर से 5 है, तो हमारा करंट हो जाएगा 10। और जो हमारा मैक्स है वो कितना था, वो हमारा 5 था, तो इस बार हमारा मैक्स 5 और 10 को कंपेयर करेगा, और मैक्सिमम क्या है 5 और 10 में, 10 है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हमारा माइनस 8 होगा, तो माइनस 8 नीचे चला जाएगा, तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये हमारा 2 पे पहुँच जाएगा। अभी हमारा करंट कितना हो गया, करंट हमारा हो गया 2, ठीक है, करंट हो चुका है हमारा 2। मैक्सिमम कितना है, 10, 2 और 10 में कौन सा बड़ा है, 10, तो मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 10 ही रहेगी। फिर हमने क्या किया, +1, तो फिर से एक ऊपर जाएगा, यानी ये 3 पे पहुंच जाएगा। 3 और 10 में कौन सा बड़ा है, 3 और 10 में हमारा बड़ा 10, तो 10 ही रहेगा। फिर हमने क्या बोला, -4, -4 नीचे जाएगा तो ये -1 में पहुंच जाएगा। अब -1 में पहुंचेगा, -1 और 10 में कौन सा ज़्यादा बड़ा है, 10, तो हमारा फाइनल आंसर मैक्स में क्या आ जाएगा, 10, जो कि हमारी मैक्सिमम हाइट है। तो हम इस अप्रोच के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं एडिटर के ऊपर और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमारा जो फॉर लूप है वो कितना चल रहा है, 0 से n चल रहा है। n क्या है, हमारी लेंथ ऑफ गेन है। तो जो हमारा इंटायर टाइम है वो किस में डिपेंड कर रहा है, जो भी हमारे गेन एरे की लेंथ होगी। तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी बिग ओ ऑफ n, n हमारा क्या है, n हमारा है साइज ऑफ गेन एरे। उसके बाद जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा एरे लिस्ट ये सब नहीं यूज़ किया है। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आ चुके हम अपने एडिटर के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले दो वेरिएबल बनाने हैं। एक वेरिएबल बनाना है मैक्स, जो कि हमारा मैक्स का काउंट रखेगा कि मैक्स इंडेक्स क्या है, मैक्स पॉइंट क्या है बाइकर का, और दूसरा हमारा देखेगा कि बाइकर हमारा किस लोकेशन में है। तो सबसे पहले दो वेरिएबल बनाते हैं, इंट मैक्स जो कि ज़ीरो रहेगा इनिशियली, और जो हमारा इंट जो करंट है, करंट वो भी इनिशियली हमारा कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर लूप चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक, आई इज इक्वल टू ज़ीरो से आई लेस देन जो भी हमारा गेन डॉट लेंथ होगा, गेन की जो लेंथ होगी, डॉट गेन डॉट लेंथ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसे अपडेट कर देंगे आई प्लस प्लस से, हर बार नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेंगे। और यहाँ पे जो करंट है, करंट में हम क्या ऐड कर देंगे, करंट प्लस इक्वल्स जो भी हमारा गेन एट आई होगा, गेन एट आई। नेक्स्ट हमको क्या करना है, जो मैक्सिमम है उसमें हमें डाल देनी है मैक्सिमम ऑफ क्या, मैक्सिमम ऑफ करंट और मैक्स। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक फंक्शन जो कि हमारा इनबिल्ट है, जो कि हमारा मैक्स फंक्शन है। ये दो वैल्यूज़ को लेता है और जिनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो रिटर्न कर देगा। तो हम मैक्सिमम में मैक्स वैल्यू रख लेंगे, तो हम इसे लिखेंगे मैथ डॉट मैक्स। मैक्स हमारा एक फंक्शन है। अब इसको दो आर्ग्यूमेंट देंगे, क्या क्या देंगे, सबसे पहले करंट और फिर मैक्स, इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसकी वैल्यू मैक्स में डाल दो। और ये कंटिन्यूसली हमारा फॉर लूप चलता रहेगा, और जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा हमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अब सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट है, लेट्स सी एग्जांपल टेस्ट केस के लिए। और एग्जांपल टेस्ट केस के लिए हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। अब इसे सबमिट करते हैं और बाकी टेस्ट केसेस भी देखते हैं। और अगर इसे हम देखें तो ये हमारा फास्टर देन 100% सॉल्यूशन है, और वहीं इसने 82% कम मेमोरी यूज़ किया है। तो ये काफ़ी ही ज़्यादा एक इजी सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट पे पोस्ट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।